नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने बहुत सारे प्लांट के कार्ड छाट किए हैं और उसी में मुझे एक दिखाई दी। यहाँ पर मेरा प्लांट है पोनीटेल, इसको बोलते हैं। तो दोस्तों, ये एक नन्हे से गमले में मैंने लगाया था, क्योंकि यह बहुत छोटा था, 1 साल का हो गया है। तो मुझे लगा कि इसकी रूट जरूर बाउंडिंग हो गई होगी, तो मैं इसको देखने चली, तो मुझे लगा कि इसको वीडियो को आपसे भी शेयर कर दूं। ऐसे अभी रिपोर्ट करने में आपके यहाँ क्या गर्मी है, क्या स्थिति है, तो लेकिन आप देख लिए रहोगे, तो बाद में जब बरसात के समय में आप इसको कर सकते हो। मेरे यहाँ झारखंड में अभी अब बारिश होना शुरू हो गया है, इसलिए थोड़ी ठंडक है और मैं इसे अभी रिपोर्ट कर देती हूँ। साथ ही मैं आपसे शेयर कर दूंगी कि इसको रिपोर्ट करने में पहली चीज़ है हमें कि एक जो गमले लेनी होगी वो इससे बड़ी गमले होनी चाहिए। जब भी रिपोर्ट करें, एक प्लांट को निकालें और दूसरे में लगाएं, तो आप देख रहे होंगे कि ये मुश्किल से 10 इंच का गमला होगा। यहाँ देखिए, इससे बड़ा गमला मैंने रखा है। दूसरी चीज़ है कि इसकी ये भी इसका इसमें पानी भरा रहता है, इसके इसके जो बॉल हैं इसमें, ये बड़ा होते चला जाता है। धीरे धीरे करके इसको बड़े गमले में करते जाना है, ताकि ये बड़ा से बड़ा हो सके। और इसमें पानी भरे रहते हैं, ये भी सकुलेंट ही है, इसलिए इसको पानी देने में सतर्कता बरतनी है हमें, ज़्यादा इसमें पानी नहीं देने हैं। तो यहाँ मैं जो रखी हूँ इसको मैं आपसे शेयर कर दूँ। ये मेरा कोकोपीट है, आप देख रहे हो, यहाँ मैंने सैंड रखी है और ये सॉयल है, जिसमें आपको कुछ रूट भी नज़र आ रहे होंगे। रूट का कारण है कि मैंने जो प्लांट हटाए थे उसी की सॉयल ये है। इसमें थोड़ी सी काउडंग मिली रहती ही है, वही मेरी है बस, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अब ये सबको आपस में मिला देते हैं, और इस मिला रहे हैं तो उधर गिरा है, सबको आपस में मिला देते हैं और साथ ही इसको हम आपसे शेयर कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरे गमले के टूटे हुए टुकड़े हैं। अगर आपके पास वो हो तो सही है, नहीं हो तो इसके ड्रेनेज होल पर एक टुकड़ा नहीं, इसमें ढेर सारे जो है, इस सबको मैं इसमें डाल दूंगी, क्योंकि नीचे इसमें मॉइस्चर बरकरार रहे और प्लांट मेरा अच्छे से आगे बढ़ते चले। दोस्तों, अगर ये नहीं हो आपके पास, तो आपके पास अगर ये होते हैं, क्या कहते हैं उसको, रखते हैं ये ईंट के टुकड़े हो वृक्ष के, तो उसको भी आप डाल सकते हो। नहीं तो आप पत्थर भी डाल सकते हैं, या कोयले की, लकड़ी की कोयला जो होती है उसको भी आप डाल सकते हैं। दोस्तों, इसकी रूट आप देखें किस तरह से पूरी रूट इसमें फंस गई हुई थी, जकड़ गई हुई थी। अब इसको थोड़ी सी हल्की करते हैं। हल्की करने के लिए आपके पास इस तरह के अगर हो, और नहीं तो आप जो किचन में इस्तेमाल करते हैं उससे भी आप इसको हल्की कर लेते हैं, ले सकते हैं। तो इस तरह से इसके रूट को थोड़ी सी हल्की कर लेते हैं। मैं एक हाथ से कर नहीं पा रही हूँ, पहले कर लेती हूँ फिर से आपको शेयर करती हूँ। दोस्तों, इसकी पूरी मिट्टी मैंने हटा दी है। अब आप इसको देख रहे होंगे कि नीचे से इसकी बॉल नज़र आ रही है, शायद आपको दिखाई दे रही होगी, नीचे से जो इसकी बॉल है वो भी अब नज़र आ रही है, और साथ ही इसके इस तरह के रूट बने हुए हैं। अब इस रूट को भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी, कैंची से इसको काट कर। इसका 40% तक रूट मैं इसका काट कर हटा दूंगी, रिमूव कर दूंगी। तो दोस्तों, इसी तरह आप भी प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अभी ध्यान रखें, अगर आपके यहाँ भी धूप हो, गर्मी काफ़ी हो, तो अभी ना करें, जब ठंड का समय हो उस समय किया करें। तो इसका इतना ढेर सारा नीचे मैंने काट कर हटा दिया है, अब इसको सॉइल में लगा देते हैं। अभी सॉइल और डालनी होगी, क्योंकि इसको ऊपर रखने हैं, इसके बॉल को ऊपर रखने हैं, तो सॉयल और इसमें मिक्स करने पड़ेंगे।
रूट अगर चले जाते हैं कटे हुए तो कोई घबराने की बात नहीं है, इससे कोई घाटा नहीं है आपके प्लांट को। देख लें बीच में सेंटर देख करके तब रखा करें कि बीच में सेंटर आपका कहाँ आ रहा है। दोस्तों इसको एलिफेंट फुट भी कहते हैं क्योंकि ये मोटा सा हो जाता है, लगता है जैसे कि हाथी का पैर हो, इसीलिए इसको एलिफेंट फुट भी कहते हैं। दोस्तों जब इसमें सॉयल भरे तो ये ध्यान रखें इसका जो गोला वाला भाग है वो ऊपर रहा करे, उसको मिट्टी के नीचे ना दबाएं। अब इसमें मैं पानी दे देती हूँ, साथ ही आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, या कमेंट में जा कर के जो कुछ भी पूछनी हो आप पूछ ले सकते हो। तो इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा ले रही हूँ, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत